अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सिंपल कुकिंग किचन। मिठाइयों में वैसे तो बर्फ़ी खाई जाती है बड़े शौक से, लड्डू खाया जाता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो तकरीबन हर एज के लोग बड़े मज़े और शौक से खाते हैं, इसलिए मैं अपने किचन में आज बना रही हूँ घर के बने हुए सादा तरीके से गुलाब जामुन। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए ड्राई दूध 1 कप, एवरी डे ले लें या फिर आप नीडो ले लें, कोई सा भी 1 कप ड्राई दूध है। 1 कप चीनी चाहिए चाशनी के लिए, 1 कप चीनी हो गया, 1.5 कप पानी होगा जिसमें मैं इसको ऐड करूँगी, 1 अदद अंडा है, थोड़ा सा लेमन है जो चाशनी में यूज़ होना है, 3-4 इलायची हैं, 1 टेबल स्पून है मैदा एंड 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, एंड 1 टेबल स्पून है घी। आप चाहे ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए, जो भी हो। अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने पानी लिया है 1.5 कप है, इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस चीनी को मिक्स करके चाशनी को हल्का सा थिक करना है। चाशनी हमारी तैयार होना शुरू हो गई है हल्की सी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायचियाँ जो 2 से 3 अदद हमने हल्का सा इसको खोल दिया हुआ है ताकि इसका टेस्ट आए, और हल्का सा लेमन जूस के चंद ड्रॉप्स डालने। ये इसलिए डालते हैं कि हमारी जो चाशनी है ना वो चीनी जुड़े ना, चाशनी जो बड़ी फ्रेश और अच्छी बने। हमें इसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं। आए हम उसकी ड्राई मेकिंग करते हैं गुलाब जामुन की। अब हम डालेंगे इसमें दूध, बेकिंग पाउडर, और मैदा 1 टेबल स्पून जो मैदा है। थोड़ा सा इन चीजों को हिला लीजिए ताकि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी या ऑयल जो भी आपको। और अंडा, इन सब चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पून से मिक्स कर लें या फिर हाथ से मिक्स करें, वो भी बेटर रहता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको चम्मच से तो मिक्स किया है, लेकिन डेफिनेटली ये जो चीज़ होती है इसको हल्का सा हाथ से भी हमें सेटल करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको इस तरह बना के, ये आपका जो है ना हल्का सा स्टिकी सा होना चाहिए। उसके अलावा जब हम इसका अभी मिक्स करेंगे, ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ये तकरीबन इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हमने इसके मुनासिब साइज़ के बॉल्स बनाने हैं, आराम से राउंड करते जाएंगे। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और मीठे के तौर पे ये एक अच्छी डिश है जो बड़ी जल्दी और आसानी से बन जाती है। इस तरह ये देखिए हमने राउंड लिया है और ये हल्का सा चिकनाहट वाला भी, इससे कोई क्रैक भी नहीं है। इसी तरह हम सारे बॉल्स बना के इनको फ्राई करेंगे। ये बॉल्स मैंने बना लिए, अब मैं इसको ऑयल में डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम अगर हम डालेंगे गरम ऑयल में तो ये फौरन ब्राउन होकर जल जाएंगे। चाशनी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी हुई है, और साथ में ही हमने गुलाब जामुन है इनको फ्राई के लिए। गुलाब जामुन जो है ना आपने हल्के ऑयल में रखनी, इसकी जो मेन निशानी होगी कि ये जब फ्राई होंगे तो फ्राई होने के बाद खुद ही से ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है या डार्क ब्राउन रखना है, ये आपकी चॉइस है। देखें ये ऊपर आ चुकी हुई है, अब हल्का से इसको मैं फ्राई करूंगी। मैं मीडियम ब्राउन रखूंगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करने के बाद चाशनी में ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको ऑयल से निकाल के आराम से तो चाशनी में ऐड करेंगे। ये देखिए अपने साइज से थोड़ी सी इंक्रीज भी होते हैं। अब हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे, और ये चाशनी में तकरीबन आधे घंटा 30 मिनट to 45 मिनट तक रहने दें, उसके बाद आप इसको खाइएगा। फिर ये अच्छा मीठा,
गुलाब जामुन फ्राई हो गए, अब हम इसमें जो शीरा है उसको ऐड कर देंगे और ये तकरीबन 30 to 45 मिनट तक इसको अगर आप डीप फ्राई देंगे तो ये बहुत मज़ेदार से और सॉफ्ट से गुलाब जामुन बनेंगे। लीजिए हमारे घर में घर के बने हुए मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।